नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम नीट लेवल. सो दिस बिलोंग्स टू नीट लेवल. अ पार्टिकल हैविंग अ मास ऑफ 10 पावर माइनस 2 किलोग्राम कैरीज अ चार्ज ऑफ 5 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम. आपको पार्टिकल का मास दिया है, पार्टिकल का चार्ज दिया है. द पार्टिकल इज गिवन एन इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. सो देयर वाज अ पार्टिकल जिसको आपने इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दिया. सो यू आर गिविंग इनिशियल पुश टू दिस, पुशिंग इट गो इन पॉजिटिव एक्स. ओके, इनिशियल वेलोसिटी इज 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, सिर्फ उसका ओरिएंटेशन कैसा है वी विल सी नाउ. टू कीप द पार्टिकल मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इट इज नेसेसरी दैट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करते रहना है. तो लेट अस फर्स्ट गो थ्रू सम बेसिक्स. आपको ये पता होना चाहिए अगर आप साइक्लोट्रॉन का केस लोगे तो, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन व्हेन वी टॉक अबाउट साइक्लोट्रॉन. देखो साइक्लोट्रॉन के केस में क्या होता है, यू हैव टू डीज. आपके पास यहाँ पे एक डी है और आपके पास यहाँ पे एक और डी है, डी वन एंड डी टू. सो यू हैव टू डीज ओवर हियर, समथिंग लाइक दिस. और व्हाट यू डू इज आप इसको एक हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाते हो और इसका काम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने का. और अल्टरनेटिंग फील्ड मतलब अगर D1 पहले पॉजिटिव था तो D2 नेगेटिव था, फिर D1 नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव होगा, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव. अल्टरनेटिंग इज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी. आई थिंक 10 पावर 8 9 कुछ तो, एक सेकेंड में इतनी बार स्विच होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन सो फोर्थ. अब इफ यू रिमेंबर यहां पे आपने एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रख दिया था, बेसिकली सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल. व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. रिमेंबर वन थिंग, अगर ये पॉजिटिव है तो इनिशियल इंस्टेंट पे D2 नेगेटिव है तो पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग हियर. और साइक्लोट्रॉन यूज क्यों करते हो? क्योंकि आपको पार्टिकल्स को हाई स्पीड पे लेके जाना है, हाई स्पीड पे. तो याद रखना इनिशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव. वेरी गुड. तो पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? टुवर्ड्स नेगेटिव, मतलब कहां जाएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. और आप इसलिए बोलते हो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यू इन टू ई. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? एक्सेलरेशन. और डायरेक्शन क्या है? वेलोसिटी को पैरेलल. अगर आपने एडिशनली एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया परपेंडिकुलर टू दिस, इफ यू पुट अनदर फील्ड बट मैग्नेटिक इन दिस केस, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? पाथ को करेगा सर्क्यूलर. करेक्ट. तो रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, अगर इनिशियल वेलोसिटी को पार्टिकल जा रहा था टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स और मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया आपने परपेंडिकुलर, तो पार्टिकल डेविएट होने वाला है. पार्टिकल विल नो मोर कंटिन्यू मोशन इन द सेम डायरेक्शन, इट विल डेविएट. करेक्ट. रुक, तो रीड द ऑप्शंस नाउ. बी बार शुड बी परपेंडिकुलर, नहीं हो सकता. अगर बी बार परपेंडिकुलर हुआ पार्टिकल स्टार्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. तो बी कैनॉट बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. ई शुड बी अलोंग, यस इट कैन बी, इट कैन बी, इट कैनॉट बी, वो बाद में देखते हैं हम लोग, लेकिन बी नहीं हो सकता. अब बोथ बी एंड ई शुड बी अलोंग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. देखो क्या होगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में है तो वो पाथ को चेंज नहीं करता है, वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव होते रहेगा. हाँ, सिर्फ इतना है कि वो एक्सेलरेट कर देगा. ओके, सो ओनली थिंग इज इट विल एक्सेलरेट. तो हो सकता है बोथ ई एंड बी एंड ई शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. पार्टिकल वॉज मूविंग अलॉन्ग एक्स, फील्ड इज
also along x. Electric field, magnetic field is also along x. Magnetic field does nothing here, क्योंकि वो यू नो क्यू वी वी साइन थीटा, क्यू वी बार क्रॉस बी बार साइन थीटा आता है, क्योंकि वी बार क्रॉस बी बार है, याद है ना, फोर्स टू मैग्नेटिक फील्ड, क्यू वी बार क्रॉस बी बार, क्यू वी बी साइन थीटा, यहाँ पे वी और बी का डायरेक्शन सेम, एंगल जीरो, साइन जीरो जीरो, मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स लगा ही नहीं रहा है, तो ओनली फोर्स इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, गुड, हो सकता है. Both B bar and E bar are mutually perpendicular and they are also perpendicular to the direction of the velocity. Imagine this is the direction of velocity coming towards you. जो लोग online connected हो, electrons are directly coming out from this screen of your phone. उसको मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया ब्लैक पेन. इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, यस, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90, लुक राइट. देन मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड इज आल्सो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड. इसको क्रॉस फील्ड बोलते हैं, एक्स एक्स शेप में आता है, क्रॉस फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू each other, okay, they are mutually perpendicular to each other. इस केस में, ऐसे केस में होता क्या है, ऐसे केस में ये होता है, मैग्नेटिक फील्ड कोशिश कर रहा था, मैं काम करता हूं, आई विल गिव यू डायरेक्शन ओवर हियर, आई विल से दिस इज x डायरेक्शन, देन लेट अस से दिस इज z डायरेक्शन, लेट अस से दिस इज y डायरेक्शन. तो ये आपके पास आ गया y, y और ये आ गया आपके पास z. मान लो z है b bar और y है e bar और velocity है along x, right? In this case, b bar was perpendicular to v, मतलब magnetic field was trying to make the path circular. बट इलेक्ट्रिक फील्ड ये वी की डायरेक्शन में नहीं है. अब साइक्लोट्रॉन में क्या था, वो वी के डायरेक्शन में था, कौन, ई बार. बी बार कहां था, परपेंडिकुलर. यहां पे वैसा नहीं है, यहां पे दोनों फील्ड्स बी बार और ई बार दोनों किसको परपेंडिकुलर है, बी बार को. तो इवन दो मैग्नेटिक फील्ड वाज ट्राइंग कि मैं इसको सर्कुलर मोशन में लाऊं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ने कैंसिल कर दिया, राइट. तो अगर तीनों के तीनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, इवन इन दैट केस द पार्टिकल विल मूव इन द सेम डायरेक्शन. बट नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट एबल टू एक्सेलरेट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्शन प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता है. सिर्फ यहां पे कांस्टेंट वेलोसिटी का केस होगा, और केस नंबर बी वॉज एक्सेलरेशन, क्योंकि केस नंबर बी में वेलोसिटी, फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सब एक ही डायरेक्शन में था, तो मैग्नेटिक फील्ड ने तो फोर्स लगाया ही नहीं, क्योंकि साइन थीटा जीरो आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपना काम कर दिया, क्या किया, एक्सेलरेशन का काम कर दिया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नथिंग. बट इन केस ऑफ स्टेटमेंट नंबर थ्री, तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स विल कैंसल आउट ईच अदर, सो द पार्टिकल विल कीप मूविंग इन द सेम डायरेक्शन बट नाउ विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. नंबर फोर, B bar should be along the direction of velocity and E bar should be perpendicular. अब सोचो, logically सोचो, अगर आपके पास एक चार्ज है जो along x move हो रहा है और मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी along z, tell me what is the direction of electric field, positive to negative. अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता तो ये कहां जाएगा, ऊपर, क्यों ऊपर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो फिर डायरेक्शन चेंज होगा, होगा चेंज, होगा ना, होना चाहिए ना, गुड. तो इफ इट इज गोइंग टू हैपन यू शुड से यस, अदरवाइज इट लुक्स लाइक यू आर नॉट कॉन्फिडेंट. तो ये गलत है, ये सही है और ये सही है. तो कौन से स्टेटमेंट सही है, टू एंड थ्री, ऑप्शन नंबर सी. ओके, इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन विथ ऑल द केसेस आई विल पुट डाउन इन द नोट्स, सो डोंट वरी.
पांच केसेस है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वेलोसिटी का डायरेक्शन, सो आई जस्ट पुट दैट इन द नोट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी नू, ये वेलोसिटी नहीं है, दिस इज फ्रीक्वेंसी नॉट वेलोसिटी. अदरवाइज यू विल से हाँ एम वी बाई टू एम पाई बाई वी, इट्स नॉट बी, दिस फ्रीक्वेंसी नो. An alternating electric field of frequency nu is applied across D's of the cyclotron. अभी अभी मैंने बताया ये alternating frequency जो है ये frequency बता रहे हैं आपको. Okay, that is being used to accelerate protons. Protons को accelerate कर रहे हो. The operating magnetic field B used in the cyclotron and kinetic energy of the proton beam produced by it are given by. Cyclotron में आपको protons को accelerate करना है. आपने फ्रीक्वेंसी लगा दिया न्यू, आपसे पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. आई डोंट केयर इफ यू डोंट रिमेम्बर फॉर्मूलाज, बट यू नो यू नीड टू रिमेम्बर कॉन्सेप्ट. साइक्लोट्रॉन में सर्कुलर मोशन कौन परफॉर्म करवाता है? मैग्नेटिक फील्ड. मतलब यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, फोर्स सेंट्रीपिटल इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर. That is R, तो यहाँ पे कैपिटल R यूज किया है तो मैं कैपिटल R रखूंगा, कैपिटल R. एंड दिस इज क्यू वी बी, कैंसल एंड कैंसल. बट डू यू रिमेम्बर सर्क्यूलर मोशन में लीनियर स्पीड बाय R इज वी बाय R इज ओमेगा, V इक्वल टू R ओमेगा. सर्क्यूलर मोशन लीनियर स्पीड इक्वल टू रेडियस इन टू एंगुलर स्पीड, तो ये होता है ओमेगा. ये पता होना चाहिए, बेसिक. बेसिक नहीं पता रहा तो गए काम से. सो यू शुड नो सिंस वी बाय आर इज ओमेगा. मैं क्यों ओमेगा लिख रहा हूं? व्हाई? बिकॉज यू सी हियर दे आर आस्किंग यू मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ लीनियर फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज ओमेगा इन टर्म्स ऑफ लीनियर फ्रीक्वेंसी? अभी आज चार बार मेंशन हुआ है, ओमेगा इज टू पाई एफ. तो ओमेगा इज टू पाई टाइम्स ऑफ लीनियर फ्रीक्वेंसी, को उन्होंने नू बोला है एफ की जगह पे, तो टू पाई नू इक्वल टू क्यू बी. व्हाट इज बी? टू पाई एम नू बाय क्यू. लुक, टू पाई एम नू बाय ई. ई क्यू, क्योंकि प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज कितना? ई. तो क्यू की जगह पे क्या लिखोगे? E, 2 pi m nu by E, ऑप्शन नंबर बी और सी में आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए और डी तो हो नहीं सकते. अब ये आ गया आपका, मैं क्यू की जगह पे ले देता हूं E और मैं बोल देता हूं सेंस चार्ज इज E. तो कम से कम मैग्नेटिक फील्ड तो मिल गया आपको. और क्या पूछा है? जोक, डू यू रिमेम्बर काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ साइक्लोट्रॉन? के इक्वल टू q square b square r square upon 2m. so q square r square upon 2m. b तो है ना, अभी तो find किया 2 pi m nu by e, उसका square 2 का square 4 pi square m square nu square upon e square upon e का square E square. एक और एक ये आ गया, वन जा एंड टू जा, दिस इज एम एंड दिस इज गॉन. चार्ज, यहाँ पे चार्ज किसका? प्रोटॉन का. प्रोटॉन का चार्ज मतलब E, तो E square ये और ये कैंसल, क्या बचा? टू बचा, गुड. पाई स्क्वायर बचा, यस. नो स्क्वायर बचा, यस. एंड वॉट इज लेफ्ट? आर स्क्वायर. है 2 pi square nu square r square or m. So 2 r square pi square nu square or m. Look, 2 pi square r square nu square and m. Option number C. तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं. कुछ भी नहीं है, साइक्लोट्रॉन है, उसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछा है. सिर्फ इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला और जो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछा है, वो पूछा है इन टर्म्स ऑफ लीनियर फ्रीक्वेंसी. सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है?
मैग्नेटिक फोर्स, तो एम वी स्क्वायर बाय आर क्या आएगा, क्यू वी बी, एक भी कैंसल, वी बाय आर क्या है ओमेगा, तो एम ओमेगा इक्वल टू क्यू बी, ओमेगा क्या है 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्यू बी, बी क्या आएगा 2 पाई एम फ्रीक्वेंसी बाय ई, तो ये मिल गया आपको बी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हमने थ्योरी में बना के रखा था, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपॉन 2m, व्हाट इज क्यू, ई, क्योंकि चार्ज इज प्रोटॉन, तो प्रोटॉन है। उसके बाद बी की वैल्यू आपने अभी अभी फाइंड की, वो सब्स्टिट्यूट करो और सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट काइनेटिक एनर्जी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड, इसका हाफ पार्ट हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, मतलब वन थर्ड पार्ट, टू थर्ड पार्ट बेसिकली, सिर्फ वन थर्ड बाकी है। एन इनफिनिटली लॉन्ग हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर विथ इनर रेडियस आर बाई टू एंड आउटर रेडियस आर कैरीज अ यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी अलॉन्ग इट्स लेंथ। आपके पास एक हॉलो सिलेंडर है विच इज कैरिंग करंट डेंसिटी, कॉन्स्टेंट करंट डेंसिटी। आपको पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एज अ फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, तो अगर आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो याद दिला देता हूं, डजंट मैटर रियली, यू हैव अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर समथिंग लाइक दिस। और अगर आपको याद होगा हमने इसके ऑलरेडी दो केसेस देखे थे जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एक्सिस, अगर आपको याद होगा आपने लिया था एक पॉइंट इनसाइड द वायर, सम पॉइंट इनसाइड एट अ डिस्टेंस, अभी अगर इसका रेडियस कैपिटल आर है और मैं पॉइंट यहां पे ले रहा हूं, इस डिस्टेंस को मैं डी बोल रहा हूं, तो यू सी इफ डी इज लेस देन आर, मैंने लिखा भी था अ पॉइंट इनसाइड द वायर, डी इज लेस देन आर, पॉइंट इनसाइड द वायर, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा इट वॉज गिवन बाय म्यू जीरो बाय फोर बाय टू आई डिस्टेंस बाय रेडियस का स्क्वायर। फिर आपने बोला कि ये सारा कॉन्स्टेंट है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। फिर एक पॉइंट आपने लिया था आउटसाइड समवेयर ओवर हियर, इन दिस केस द डिस्टेंस बी इज ग्रेटर देन आर, मतलब पॉइंट इज आउटसाइड द वायर, इफ डिस्टेंस डी इज ग्रेटर देन आर, तो इफ यू रिमेंबर ये तो कितनी बार हमारा हुआ है, म्यू जीरो बाय फोर बाय टू आई बाय डिस्टेंस, यहाँ आर मत लिखना, यहाँ पे डिस्टेंस आएगा, सो हियर यू से फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। और उस केस में आपने एक ग्राफ प्लॉट किया था जिसमें इनसाइड द वायर, पहले तो इनसाइड और आउटसाइड मतलब कौन डिफाइन कर रहा है, रेडियस, रेडियस से कम डिस्टेंस मतलब इनसाइड, रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस मतलब आउटसाइड, तो पहले रेडियस को मार्क कर दो यहाँ पे, तो सबसे पहले यू मार्क डाउन वेयर इज द रेडियस, सो रेडियस लाइज समवेयर ओवर हियर, ओके। अब आपको याद होगा तो इनसाइड के लिए दिस इज फील्ड बी, दिस इज वाई एक्सिस पे आप लिखते हो फील्ड और एक्स एक्सिस पे आप प्लॉट करते हो डिस्टेंस, y proportional to x, मतलब y equal to mx, straight line passing through origin, तो इस केस में आपको मिला था something like this, और बाद में बाहर inversely proportional है तो it is falling like this, do you remember, हमने solve किया है, we have already solved this case, तो you should remember this, ये हमने already case solve करके रखा हुआ है, we know this। अब सिर्फ एक छोटा सा चेंज है, द चेंज इज दिस, अभी हमारे केस में इंस्टेड ऑफ हैविंग अ वायर लाइक दिस आपके पास एक हॉलो वायर है, तो यू हैव अ हॉलो वायर, मोर और लेस, मैं इसको तो पहले हटाऊंगा, आई डोंट नीड दिस नाउ, ओके, सो यू हैव अ हॉलो वायर, ये उसका एक्सिस हो गया वायर का, और अंदर कुछ भी नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली एम्प्टी, एंड देन वायर का पूरा मटेरियल इज फ्रॉम आर बाय टू टू आर, तो ये डिस्टेंस आपको बोला है आर बाय टू, और ये डिस्टेंस है टोटल आपका आर, राइट,
तो जीरो टू आर बाय टू में कुछ है ही नहीं, जब कुछ है नहीं, कंडक्टर ही नहीं, तो करंट कहां से कंडक्ट होगा, राइट? तो इसमें तीन केसेस बनेंगे, इसमें एक केस ऐसा आएगा जिसमें आप बोलोगे डिस्टेंस डी, डिस्टेंस कहां से मेजर करते हो, एक्सिस, डिस्टेंस डी इज ग्रेटर देन जीरो क्योंकि एक्सिस से मेजर कर रहे हो, बट लेस देन आर बाय टू, मतलब मैं यहां से यहां तक जब मेजर करूंगा एक्सिस से इनर रेडियस तक, देयर इज नो मटेरियल, नो मटेरियल मतलब नो करंट, नो करंट मतलब नो फील्ड, जीरो फील्ड, तो नो फील्ड मतलब जीरो फील्ड, तो यहां पे आपको मिल जाएगा दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये, लुक हियर पे अटेंशन, इसका मतलब यहां पे यू विल सी कि आर बाय टू डिस्टेंस तक देर विल बी नथिंग एट ऑल, आर बाय टू डिस्टेंस तक देर विल बी नथिंग एट ऑल, जीरो फील्ड। उसके बाद यहां पे जो डी है, अब हम बोलेंगे वेयर डी इज ग्रेटर देन आर बाय टू एंड लेस देन आर, मतलब इतने रीजन में तो पता ही है हमको, राइट? इट इज अ स्ट्रेट लाइन। और तीसरा केस इज डी इज ग्रेटर देन आर, वो भी पता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट? लुक विच ऑप्शन, डी। हाँ, मैं मान रहा हूं कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, पर उन्होंने क्लियर बोला है बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, नॉट एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन बट बेस्ट रिप्रेजेंटेशन, तो ऑप्शन नंबर डी। तो दिस इज व्हाट यू विल हैव डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड गुड क्वेश्चन विद सम करेक्शंस। A rectangular loop of side 10 cm and 5 cm carrying a current of 12 ampere is placed in different orientation as shown in figures below. Same loop hai, figure 1 mein, figure 2 mein, figure 3 mein, figure 4 mein, same loop hai, 10 cm by 5 cm ka loop hai, current bhi same hai, sirf uska orientation alag hai, okay. If there is a uniform magnetic field of 0.3 tesla in the positive z direction, मतलब ऐसा, और चारों जगह पे है ना सेम, पहले में भी उतना ही, दूसरे में भी उतना ही, तीसरे में भी, चौथे में, तो मैं काम करता हूँ चार चार की जगह पे मैं एक सिंगल वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0.3 tesla, मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, है ना? North to south, yes, south to north, north to south, okay. So magnetic field is like this. वैसे मैंने यहां नहीं दिखाना चाहिए, इस पे अलग, ऐसा चारों डायग्राम पे दिखाना चाहिए, लेकिन चारों पे सेम है तो मैंने एक कॉमन लाइन ड्रॉ कर दी, समझ लेना, सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है हमारा वैसे भी। If there is uniform magnetic field of 0.3 tesla in the positive z direction, in which orientations of the loop, अभी इन चारों में से लूप कौन से ओरिएंटेशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा और अनस्टेबल में रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन कंपेयर दिस विथ मैग्नेट इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आपको पहले तो याद होना चाहिए, अगर मेरे पास ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और अगर मैं इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में If I keep a bar magnet, and if north pole of the bar magnet is pointing towards south of the external field, then it is said to be in most stable position. So if north pole is facing south and south pole is facing north, then it is said to be in most stable equilibrium. And this, if north is facing south, no, sorry, south is facing south and north is facing north, that is said to be unstable equilibrium. अब हमारे पास कोई बार मैग्नेट तो है नहीं, हमारे पास क्या है? करंट कैरिंग लूप। Have you learned? Do you know? Current carrying loop acts as magnetic dipole. 11th standard diagram के साथ मैंने बताया था, अगर करंट क्लॉकवाइज हो तो दैट साइड बिकम्स साउथ पोल, अगर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज करंट हो तो दैट
साइड ऑफ द सेम लूप इज लाइक नॉर्थ पोल. सेम है ये लूप है यहाँ पे लगाया हुआ है मैंने, एक सर्कल लगाया हुआ है. मान लो मेरे लिए करंट क्लॉकवाइज है, मेरे लिए तो ये हो गया साउथ पोल. इफ यू आर लुकिंग फ्रॉम द अदर साइड यू सी द सेम करंट फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज. करंट वही है सिर्फ एक साइड से दिखता है क्लॉकवाइज, दूसरी साइड से दिखता है एंटी क्लॉकवाइज. तो मेरे लिए जो साइड मेरे तरफ फेस कर रहा है दैट इज साउथ, जो आपके तरफ कर रहा है वो नॉर्थ. तो क्लॉकवाइज करंट मतलब साउथ पोल एंड एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोल. लुक फिगर नंबर ए, हमारे कुछ काम की नहीं है. क्यों नहीं है? मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग जेड, एक्सटर्नल फील्ड का नॉर्थ पोल है नीचे और साउथ पोल है ऊपर, और लूप यहाँ पे आपके पास वाई जेड प्लेन में है. ओके तो लुक एट द करंट, करंट यहाँ जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब बाहर का फेस होगा नॉर्थ और अंदर वाला फेस होगा साउथ. मतलब इट इज समथिंग लाइक दिस. ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज नॉर्थ एंड इनसाइड इज साउथ. तो एक्सटर्नल फील्ड के पर्सपेक्टिव से मैग्नेट इज परपेंडिकुलर. इसको स्टेबल बोलते हो? नहीं. इसको अनस्टेबल बोलते हो? नहीं. तो ये ना स्टेबल है ना अनस्टेबल है. एंड लुक हियर ऑल्सो, यहां पे आपके पास एक्स जेड प्लेन में करंट है, वो है आपके पास क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज उस तरफ है साउथ पोल और पीछे की तरफ है नॉर्थ पोल. बट इवन इन दिस केस मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के फील्ड को परपेंडिकुलर है, तो इट इज नीदर स्टेबल नॉर अनस्टेबल. मतलब अभी ऐसे जो आंसर था जिसमें वन या थ्री दिख रहा है वो तो हो ही नहीं सकता. ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, तो बचा एक ही दैट इज सी. ओके और हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं. क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा. हियर एक तो प्रॉपर डायरेक्शन दिए नहीं है, ये इधर करंट जा रहा है वो उधर जा रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता. या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा. इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. ओके सो मोस्ट टेबल के लिए एक्सटर्नल का नॉर्थ और मैग्नेट का साउथ. ओके अब इफ द करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट इज लाइक अ नॉर्थ पोल, है ना. तो आई विल चेंज डायरेक्शन हियर. तो ये ऐसा जा रहा है बेसिकली. ओके इफ यू डू लाइक दिस, दिस इज साउथ पोल, ऊपर का साउथ, ये भी साउथ, मोस्ट अनस्टेबल. मैं अगर चेंज कर देता हूं डायरेक्शन को, इफ आई डू लाइक दिस इट इज नाउ क्लॉकवाइज, और उल्टा कर दिया तो एंटी क्लॉकवाइज. इफ आई डू इट, कैसे करना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज के लिए, राइट. तो इट शुड गो मोर और लेस लाइक दिस एंटी क्लॉकवाइज. तो ऊपर का फेस क्या आएगा नॉर्थ, नीचे क्या क्या आएगा साउथ. नॉर्थ फेसिंग साउथ, नॉर्थ फेसिंग साउथ, साउथ फेसिंग नॉर्थ. मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल मतलब, स्टेबल मतलब नंबर टू. नीचे नीचे मैं कर देता हूं क्लॉकवाइज, ऐसा क्लॉकवाइज. तो ये आ गया आपका साउथ, ये आ गया आपका नॉर्थ. साउथ फेसिंग साउथ एंड नॉर्थ फेसिंग नॉर्थ, मोस्ट अनस्टेबल. तो थोड़ा सा करेक्शन था. ओके सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विद एंगुलर स्पीड ओमेगा. द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मैग्नेटिक मोमेंट टू इट्स एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन. सिंपल है, जायरोमैग्नेटिक रेशियो पूछ रहे हैं आपसे लोग. पार्टिकल जिसका चार्ज q मास m मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विद एंगुलर स्पीड ओमेगा. Ratio of the magnitude of its magnetic moment to that of its angular momentum. Do you remember any
current carrying loop or any charge going around circles, it acts as magnetic dipole moment with magnetic moment of current into area. Current is charge flowing per unit time, or time ki tarah likhte ho aap time period, into area is pi r square. Time period, what is time period? Distance upon speed. एक चक्कर में कितना डिस्टेंस? 2 पाई आर अपॉन स्पीड, मतलब v, वेरी गुड. और ये पाई आर स्क्वायर ये कैंसल एंड कैंसल, राइट. तो आपको मिल जाएगा क्यू वी आर बाय 2. दिस इज डाइपोल मोमेंट. हमको चाहिए इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि बोला है ना रेशियो ऑफ किसका, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का. तो एक काम करो, इसको मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो. ये आपका आ गया एंगुलर मोमेंटम. क्यू याद है क्या? याद है व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? एमआरवी एमबीआर एल. तो एमबीआर इज एल. तो ये आपको मिल गया एल. तो डायपोल मोमेंट इज क्यू एल अपॉन 2m. तो म्यू बाय एल, डायपोल मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम का रेशियो डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड मास. ऑप्शन नंबर सी डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ करंट लूप हैविंग टू सर्कुलर आर्क्स जॉइंड बाय टू रेडियल लाइंस. आपके पास एक करंट लूप है जिसमें दो सर्कुलर आर्क है, दिख रहा है ये क्यू आर, दिस इज वन आर्क, दिस इज वन आर्क, और एक आर्क है समवेयर ओवर हियर लाइक दिस, और इसको ज्वाइन किया है दो रेडियल लाइंस. रेडियल क्योंकि ये जाके आगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट होगा, रेडियस बन जाएगा, ये भी रेडियस बन जाएगा. सो दे आर ज्वाइन बाय टू रेडियल लाइंस. मतलब पूरा नहीं ज्वाइन कर रहे हो आप, यू आर नॉट ज्वाइनिंग कंप्लीटली, यू आर जस्ट पुटिंग अ लाइन ओवर हियर. तो ये आपका बन गया ऐसा. ओके, आपके पास दो सर्कुलर आर्क है, ऊपर का आर्क क्यू आर और नीचे का पी एस. देन करंट कैसे जा रहा है? करंट इज गोइंग फ्रॉम पी टू क्यू, क्यू टू आर, आर टू एस एंड बैक टू पी. ऐसा करंट जा रहा है. आपको बोला है कि आप ये जो ओ पॉइंट है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो. ओके, दिस क्वेश्चन इज सिंपल प्रोवाइडेड यू नो कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट नंबर वन दैट यू नीड इज, मैंने आपको बताया था अगर एक स्ट्रेट लाइन है, अगर उसमें मैंने एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लिया, और अगर मेरे पास ये पॉइंट P है, मुझे यहाँ पे फील्ड फाइंड करना है, तो मैं अप्लाई करता हूँ बायो सेवर्ट लॉ, dB इक्वल टू म्यू जीरो बाय फोर पाई, एंड यू विल राइट हियर म्यू जीरो बाय फोर पाई. क्या लिखोगे? I dl, where I is current, dl is the length upon distance का square. ये जो distance है, इस distance को हम बोलते हैं r upon r का square into sine of angle. Here this is, in this case is 90. यही point को यहाँ रख दिया तो angle is zero, sine zero is zero. मतलब एक line के direction में point आ गया तो field is zero. Half answer done. कैसे? क्योंकि उसी PQ इसी डायरेक्शन में पॉइंट है, तो इसी डायरेक्शन में आपके पास पॉइंट है, मतलब PQ का कंट्रीब्यूशन जीरो और RS का कंट्रीब्यूशन भी. तो अभी दो ही कंट्रीब्यूशन बचेंगे फ्रॉम QR एंड फ्रॉम SP. तो 1, 2, 3 एंड 4 इन चारों पार्ट्स में से B1 और B3 आ जाएगा जीरो. अब आप फाइंड करोगे B2. डू यू रिमेंबर फील्ड ड्यू टू आर्क? ये आर्क है, इसमें करंट है, ये एंगल थीटा बना रहा है. व्हाट इज द फील्ड इफ रेडियस इज एन? म्यू जीरो बाय फोर पाई, पाई बाय आर इंटू थीटा. वेरी गुड. तो इसका आता है फील्ड वैल्यू B इक्वल टू म्यू जीरो बाय 4 pi I by R into theta, right? Where R is this distance. मैंने small r लिख दिया, अगर मैं capital लिख दिया, doesn't matter. I'll put a small r over here. Correct? One more thing.
बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, जितना आर कम उतना फील्ड ज्यादा। तो ये जो ऊपर का पार्ट है, एज यू कैन सी क्यू से लेके आर तक इसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो पार्ट टू का जो फील्ड होगा वो होगा म्यू जीरो बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 × 10⁻²। थीटा कितना है, 45 मतलब पाई बाय फोर। ओके, ये म्यू जीरो बाय 4 × 10⁻²⁷। करंट इज 10 एम्पियर, है ना, 10 एम्पियर, गुड, 10 एम्पियर। और नीचे है आपके पास 3 × 10⁻², और ये पाई बाय 4 मतलब 12। तो इसको सॉल्व कर लो, एक काम करता हूं, इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। 10⁻², और करंट इज 10 × 10⁻⁶, नीचे का ऊपर आ जाएगा तो −4, π/12। तो π/12 × 10⁻⁴, π/12 × 10⁻⁴ टेस्ला। दूसरे का डिस्टेंस कितना, 5। तो ये जो बिफोर है, कौन सा पार्ट था, बिफोर जो है इट इज μ0/4πI/5 cm इंटू थीटा, थीटा इज π/4, दिस इज 10⁻², दिस इज अगेन 10, दिस इज 5 × 4 = 20। तो ठीक है, उसको सॉल्व करते बैठेंगे हम लोग, बट anyways 5 × 10⁻², और ये π/4। एक काम करो, 10⁻⁶ ऊपर जाएगा तो −4 और π/20, गुड, टेस्ला। ऑफकोर्स B2 बड़ा है B4 से, क्योंकि सेकेंड पार्ट पास में था, डिस्टेंस कम तो फील ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, हाँ, गुड। और करंट का डायरेक्शन अपोजिट, एक अंदर आएगा तो दूसरा, एक करंट एंटी दूसरा क्लॉकवाइज, करेक्ट। तो बी नेट, नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी B2 - B4, पर B2 कितना था, π/12 × 10⁻⁴, तो बाहर निकाल लेता हूं, B4 कितना था, π/20, वेरी गुड। अब एक काम करो, तो सॉल्व करो, 20π - 12π, 8π upon 240 नहीं, × 10⁻⁴, 1 × 3 π/3, ओके, ठीक है, इसका कोई चिंता नहीं है, 30 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज π/3, 1, π 3.14, और अपॉन 3, 1, मतलब ये 1/10 आ गया, 1 × 10, अरे पाई की वैल्यू कितनी, 3, नीचे कितना है, 30, 3/30 कितना, 1/10, और ये कितना आ गया, 10⁻⁴, ऊपर जाएगा तो 10⁻, नहीं यहाँ पे एंगल नहीं है पाए, ऑफकोर्स मतलब एंगल है, ठीक है यू आर सेइंग, पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन करते वक्त तो तुम पाए को नंबर यूज करोगे ना, आप एंगल थोड़ी मेजर कर रहे हो, क्या मेजर कर रहे हो, अब तो फील्ड में पाए की वैल्यू लेंगे ना, एंगल को लेंगे, ओके। सो 10⁻⁵, ऑप्शन नंबर ए, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर।